वेलकम बैक क्लास थर्ड स्टूडेंट। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी सेकंड में पार्ट 11 पढ़ाऊंगी। इसका शीर्षक है पर्यायवाची शब्द। बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको अपनी तरफ से पर्यायवाची क्या है ये मैं आपको बताना चाहूंगी। बच्चों, पर्यायवाची क्या होते हैं पहले मैं अपनी तरफ से आपको थोड़ा समझाऊंगी, फिर हम लोग किताब से पढ़ेंगे। पर्यायवाची बच्चों क्या होते हैं, यानी समान अर्थ वाले शब्द। ठीक है, जैसे दो लड़कियां हैं, पर्यायवाची क्या होते हैं, समान अर्थ वाले शब्द होते हैं। अब आपको एक उदाहरण दूंगी। दो लड़कियां हैं, आपस में बात कर रही हैं। एक ने कहा कि बहुत तेज वर्षा हो रही है। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत तेज वर्षा हो रही है। तो दूसरी लड़की कहती है, हाँ बारिश बहुत तेज हो रही है। तो बच्चों, आपने सुना कि वर्षा और बारिश इनका अर्थ क्या है, एक ही है। ठीक है, फिर से देखिए, पर्यायवाची शब्द वह होते हैं जिनका सब अर्थ समान हो। ठीक है, दो लड़कियां आपस में बात कर रही हैं कि एक लड़की बोलती है आज बहुत तेज बारिश वर्षा हो रही है, तो दूसरी लड़की बोलती है हाँ बहुत तेज बारिश हो रही है। तो आपने सुना वर्षा और बारिश इनका अर्थ क्या है, एक ही होता है। इसी तरह से बच्चों देखिए, हम लोग कहते हैं सूर्य निकल आया, कुछ लोग कहते हैं सूरज निकल आया, तो सूर्य और सूरज भी एक ही अर्थ हुआ। दूसरा उदाहरण है, बागीचे में फूल खिले हैं, कुछ लोग कहते हैं बागीचे में पुष्प खिले हुए हैं। ठीक है, फूल और पुष्प समान अर्थ वाले हैं। अनिल मेरा दोस्त है और अनिल मेरा मित्र है। आप दोस्त कहो मित्र कहो, ये अर्थ एक ही होता है। ठीक है, अब हम लोग पुस्तक की तरफ बढ़ेंगे। बच्चों, आप जैसा कि देख रहे हैं, ये चित्र दिया गया है इसमें, तो इसमें देखिए ये बना हुआ है, एक डाल है, उस पर चिड़िया बैठी हुई है। तो चिड़िया को देखिए क्या क्या बोल सकते हैं, नभचर खग बृहग। ठीक है, ये घर बना हुआ है, आपने देखा है, इसको हम क्या बोलते हैं, घर भी बोलते हैं, सदन भी बोलते हैं, आलय भी बोलते हैं और भवन भी बोलते हैं। इधर देखिए बच्चों, ये सूर्य बना हुआ है, इसको हम भानु दिवाकर दिनकर भी बोलते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि प्रत्येक चित्र के साथ उसके चार चार नाम लिखे हुए हैं, यानी हम एक ही प्राणी या वस्तु को अनेक नामों से पुकार सकते हैं। समझे बच्चों, कह रहा है यहाँ पे एक जो है चित्र है उसके चार चार नाम दिए गए हुए हैं, यानी हम एक ही प्राणी या वस्तु को अनेक नामों से क्या कर सकते हैं, पुकार सकते हैं। नाम अलग अलग हैं परंतु इनका अर्थ एक ही है। जैसा मैंने बताया पहले आपको, नाम अलग अलग है लेकिन सबका अर्थ एक ही समान होता है। समान अर्थ बताने वाले अलग अलग शब्दों को ही हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। फिर से देख लेते हैं, नाम अलग अलग हैं परंतु उनका अर्थ एक ही है। समान अर्थ बताने वाले अलग अलग शब्दों को ही हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि देखिए बच्चों, आपसे पूछा जा सकता है कि पर्यायवाची की परिभाषा या क्या किसे कहते हैं, बताइए। तो बच्चों आप बताएंगे, समान अर्थ बताने वाले अलग अलग शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। फिर से देख लीजिए, समान अर्थ, इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना, समान अर्थ बताने वाले अलग अलग शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। क्या होती है पर्यायवाची की परिभाषा, समान अर्थ बताने वाले अलग अलग शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब हम लोग पर्यायवाची पीछे की तरफ पढ़ेंगे।
देखिए बच्चों, जैसे ये आपका ये आँख दिया हुआ है, ठीक है, तो आँख को हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेत्र भी पढ़ते हैं, नयन भी पढ़ते हैं और लोचन भी पढ़ते हैं। आग है तो आग को क्या पढ़ते हैं हम लोग, अनल, अग्नि, पावक। फिर इच्छा का क्या होता है, कामना, चाह, अभिलाषा। कपड़ा, वस्त्र, चीप और ये पट। चंद्रमा को राकेश, शशि, चांद। जल को पानी, नीर, अम्बर। नभ को आकाश, आसमान, गगन। धरती, पृथ्वी, भूमि, धरा। पहाड़, पर्वत, नग, गिरी। पेड़ को तरु, विपट, विटप एंड वृक्ष। जैसे फूल पुष्प मैंने पढ़ाया था, उदाहरण बताया था कि फूल और पुष्प सुमन कुसुम भी कहते हैं। बगीचा उपवन है, कानन है, वन है। बेटा, सुत, पुत्र, लड़का। भगवान, ईश्वर, परमेश्वर, प्रभु। माँ, माता, अम्बा, जननी। मित्र, दोस्त, सखा, मीत। रात, रात्रि, निशा, रजनी। लड़की का कन्या, बालिका, बाला। शेर का सिंह, वनराज, केसरी। वन का जंगल, विपिन, कानन। वायु का पवन, समीर, हवा। संसार का विश्व, जगत, दुनिया। समुद्र, सिंधु, जलधि, सागर। तो बच्चों, ये पर्यायवाची आप पढ़ लीजिएगा, हो सकता है कि आपकी ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब इधर देख लीजिए, एक ही संज्ञा शब्द को कई नामों से पुकारा जा सकता है, ठीक है। एक जैसा अर्थ या समान अर्थ बताने वाले भिन्न भिन्न शब्दों को समानार्थी अथवा पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और मेरी ये कोशिश है कि आप लोग इसको दोबारा से पढ़ लिया करें ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। आपका वीडियो यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।